एनी24 जो बराक घाटी का एक लोकप्रिय चैनल है जिसमें विविध प्रकार के वीडियो और कार्यक्रम समय समय पर प्रसारित किए जाते हैं, एनी24 के माध्यम से रुद्र महायज्ञ आयोजन समिति की ओर से मैं दिलीप कुमार आप सभी को रुद्र महायज्ञ के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करना चाहता हूँ। घुंघूर कुवार पार सिलचर में एक स्थान है जहाँ पर दुर्गा मंडप है, नाचघर है, उसी के नज़दीक एक सड़क के किनारे खाली मैदान में आगामी 22 जनवरी 2023 से रुद्र महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। रुद्र महायज्ञ ये पहली बार सिलचर में आयोजन होने जा रहा है और चूंकि इतना बड़ा संकट देश और दुनिया पर गया है कोरोना का, उसके बाद सिलचर में जो है बाढ़ की विपत्ति आई, ये सबसे आदमी निपटे और बराक घाटी का, समाज का, जनता का और पूरे देश का कल्याण हो, इसके लिए शंकर भगवान का रुद्र सूक्त से 11 दिन जाप किया जाएगा और ये 11 दिन का महायज्ञ होगा। इसकी कलश यात्रा एक दिन पहले 21 जनवरी को निकाली जाएगी और काशी से आचार्य आएंगे, जो यज्ञ को संपन्न कराएंगे और शिव महापुराण के ऊपर विद्वान, वेदों के प्रकांड विद्वान ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शास्त्री जी का प्रवचन होगा। अयोध्या से रामलीला आएगी, एक विशाल और भव्य ऐतिहासिक धार्मिक समागम यहाँ घुंघूर में जनवरी महीने में चलने वाला है, उसके लिए जो है आज आयोजन समिति गठन की जा रही है और पूरे बराक घाटी की जनता इस यज्ञ में भाग लेगी। प्रतिदिन प्रातःकाल यज्ञ होगा जिसमें यजमान रुद्र सूक्त से आहुति देंगे और श्रद्धालु आएंगे, वो लोग परिक्रमा करेंगे यज्ञ का और अपराह्न में शिव महापुराण के ऊपर वेद और शास्त्रों के प्रकांड विद्वान पंडित आनंद शास्त्री जी का प्रवचन होगा और रात में अयोध्या से रामलीला के कलाकार आ रहे हैं, वो रामलीला का मंचन करेंगे। इस प्रकार ये 21 जनवरी से शुरू होकर और 1 फरवरी को इसकी पूर्णाहुति होगी। यह एक अद्वितीय और एक अनूठा, एक महान, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है रुद्र महायज्ञ का, जिससे जनता का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, बराक घाटी का और सिलचर का कल्याण होगा। बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभु, भोलेनाथ की जय हो।